उधर लखीसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर स्थित शहीद द्वार के समीप पटना में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि जिस तरह से पटना में सरकार के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पिटाई की है, लखीसराय के बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी सिर फोड़ दिया है। इसके विरोध में सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया जाएगा। दमनकारी सरकार हो रही है। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण अपना विरोध मार्च कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साजिश पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद के महामंत्री की हत्या करवाई है और लखीसराय जिले के भी कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ने का काम कर लिया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता आपके इस गुनाहों का कमर छापा वोट दबा कर चोट करेगी। बिहार की जनता आपको आपके गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में महागठबंधन सरकार का सफाया भारतीय जनता पार्टी करेंगे। कल पटना में भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर नीतीश राज की ये गुंडा गर्दी करने वाली पुलिस के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियों से बौछार किया गया। हमारे आज हम सड़क पर उतरे हैं, कल सदन को जाम करेंगे। आज उतरे हैं, क्या कारण? कल का स्थिति जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे बिहार की जनता ये देख रही थी कल फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जो बर्बरतापूर्वक हमारे नेताओं पर प्रहार किया जा रहा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जवाब जनता एक एक वोट से ले। क्या नाम हुआ? मंटू नटराज, लखीसराय जिला।